मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद सदस्य संसद और संसद का सत्र शुरू होता है जनगण मन से और सत्र का सत्रावसान होता है वंदे मातरम से। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी है, हमारी संसदीय व्यवस्था भी है। और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और संसदीय कामकाज शुरू हुआ है, इसी परंपरा का निर्वहन होता रहा है। बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर वंदे मातरम का अपमान किया गया। और ये अपमान उस पार्टी ने किया है जो पार्टी की दिन और रात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले लेकर, उनकी कस्में खा करके राजनीति करती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर ने देश के संविधान और देश की लोकतंत्र की आत्मा के रूप में वंदे मातरम को देश के सामने रखा, उसी पार्टी जो पार्टी की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के राजनीति करती है, उसी पार्टी के द्वारा वंदे मातरम का अपमान किया गया, वंदे मातरम का बहिष्कार किया गया। ये एक राष्ट्रीय अपराध है। जिन्हें वंदे मातरम से घृणा है, उन्हें संसद क्या, देश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की संसद की सदस्यता को ख़त्म किया जाना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचारियों को बचाती रही है, जो अपने ही मंत्रियों को बचाने में चौतरफा लगी हुई है, वो इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान पर चुप रही। उसने किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और कोई संसद के बाहर की ये घटना नहीं है, संसद के अंदर ये शर्मनाक घटना हुई है। हमारी मांग है कि जो लोग राष्ट्रीय गीत से घृणा करते हैं, जो लोग वंदे मातरम से जिन्हें घृणा है, उन्हें बेहतर होगा कि देश छोड़ के चले जाएं। और अगर देश में रह करके वो वंदे मातरम का अपमान, जिसे हम राष्ट्र का अपमान मानते हैं, करेंगे तो निश्चित तौर से देश उन्हें माफ़ नहीं करेगा। देश उसका मुंह तोड़ जवाब ऐसे लोगों को देगा। ऐसी तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी। थैंक यू, मुझे इतना ही कहना है। और कुछ कोई प्रश्न तो नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बहुत ही मिस्टर क्लीन की भूमिका में आए थे, वो आज बेईमानों की बारात को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से उनको बचा रहे हैं, वो अपने आप में उनकी सारी छवि को ध्वस्त कर चुका है। आज जो सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा है या इससे पहले जो खुलासे हुए हैं, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है, स्पष्ट सबूत है कि ये सरकार, सरकार के मंत्री, चाहे वो रेल मिनिस्टर हो और चाहे वो कानून मंत्री, रेल मिनिस्टर जो है वो रेल की पटरी को प्रमोशन की पटरी बना रहे हैं और कानून मंत्री जो है वो कानून का कचूमर बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे दोनों मंत्रियों को हटना ज़रूरी है, और अगर ये नहीं हटेंगे तो देश की जनता उन्हें धक्के मार के न केवल मंत्रियों को बल्कि इस सरकार को सत्ता के सिंहासन से बाहर कर देगी। और हम लोग इसीलिए, संसद बंद हो गई है, हम सड़कों पर इस पूरे के पूरे इस सरकार के घोटालों, भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और पूरे देश में इस सरकार के उस कोयले से सने हुए काले चेहरे को बेनकाब करेंगे। देखिए, तो बात सही है कि स्टेटस रिपोर्ट किसी भी रिपोर्ट की न्यू होती है। अगर आप न्यू आपने कमज़ोर कर दी
तो पूरे के पूरा जो है वो केस ही आप कमज़ोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कहना कि साहब हम तो रिपोर्ट जो थी वो केवल देखने के लिए मांगी, यानी कि आप कामा और फुल स्टाफ जो है उसका चेक कर रहे थे, उसकी स्पेलिंग चेक कर रहे थे, उससे ज़्यादा आप उसके उसमें कोई योगदान आपका नहीं था। तो ये इस तरह का झूठ और उसके ऊपर झूठ पे झूठ, तो ये अपने आप में बार बार उसका खुलासा हो रहा है और बार बार एक्सपोजर हो रहा है। देखिए कर्नाटक में जो कुछ भी रिजल्ट आया है वो हमारे लिए सबक है और कांग्रेस पार्टी के लिए संदेश है। कांग्रेस पार्टी को बहुत स्पष्ट रूप से उस संदेश को समझ भी लेना चाहिए और देख भी लेना चाहिए। हमने जो सबक लिया है हम उसको ठीक कर रहे हैं। धन्यवाद।